मुझे लगा कि वो मैसेज इस वीडियो में डालना चाहिए, और उनकी परमिशन से ही मैं उनका मैसेज जो भी वॉइस मैसेज था मैं इसमें डालूंगा। काफ़ी इमोशनल क्रियान, ये मेरा बहुत ही टेंशन है भाई, मेरा घर। हे गाइस, वेलकम इन आवर न्यू वीडियो। मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान इन्फो। आज की वीडियो होने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके ही डिमांड पे ये वीडियो आई है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि भाई किस तरह से सीए फर्म में काम होता है, क्या काम होता है, कैसे काम होता है, उस पर कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारी बेसिक क्वेश्चन जो लोग आपने मुझे कमेंट किया था, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, उससे रिलेटेड आज की वीडियो होने वाली है। और वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। आप किसी भी बैकग्राउंड से, टेंथ में, ट्वेल्थ में, ग्रेजुएशन हो, किसी भी एक्सट्रीम में आप स्टडी कर रहे हो, वीडियो को एंड तक देखना, ज़रूर आपको कोई ना कोई नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि सीए फर्म में सीए के अंदर किस तरह से काम होता है, क्या काम होता है, कौन लोग अपने काम करवाने के लिए आते हैं, तो चार पॉइंट्स आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही सिंपल वे में बात करेंगे। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, ज़रूर आपको इस वीडियो समझ में आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है सीए, सेकेंड पॉइंट अकाउंटेंट, थर्ड पॉइंट बिजनेसमैन जो एज ए क्लाइंट अपने बिजनेस की डिटेल लेके आते हैं सीए फर्म में मेंटेन कराने के लिए अपने बिजनेस की डिटेल को, फोर्थ वन इज़ इंडियन गवर्नमेंट। इस चार पॉइंट से हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तीन नंबर वाले पॉइंट से कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की डिटेल, क्या उसने सेल किया, क्या परचेज किया, कितना प्रॉफिट हुआ, वो हर एक चीज़ मेंटेन क्यों करता है, कि वो सीए के फर्म में जाता है और अपने हर एक चीज़ को मेंटेन करता है। क्या ज़रूरत है मेंटेन करने की, जो चाहे बेचे, जो चाहे खरीदे, जितना चाहे प्रॉफिट ले, अपने मर्जी से रहे, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सरकार का ऑर्डर है कि आप जो भी बेच रहे, जो भी खरीद रहे, जो भी प्रॉफिट है उसका हिसाब किताब रखो एंड उसके बेस पर टैक्स पे करो। अगर सरकार मना कर दे कि आप जो भी चाहे खरीदो, जो भी चाहे बेचो, मुझसे कोई मतलब नहीं, जो चाहे करो, जितना चाहे कमाओ, तो कोई भी बिजनेसमैन कोई भी डिटेल नहीं रखेगा अपने बिजनेस की, जो चाहे जितने का चाहे बेचेगा, एंड सीए की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, सीए फर्म की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, सब बंद हो जाएगा। बट कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि एक घर चलाने के लिए जो घर का मालिक होता है वो कहीं ना कहीं जॉब करता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिजनेस करता है, कहीं ना कहीं कुछ करके वो पैसे कमाता है जिससे अपने घर की जो भी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करता है। इसी तरह एक देश को चलाने के लिए सरकार को भी पैसे की ज़रूरत होती है। सरकार तो कहीं बिजनेस करेंगे नहीं, कहीं जॉब करेंगे नहीं, वो अर्निंग कहाँ से करेंगे, वो अर्निंग करेंगे बिजनेस से, बिजनेसमैन से, जो इस देश में रहते हैं। हर एक नागरिक पर ये कंपलसरी है कि आप अपने बिजनेस की डिटेल रखिए, आप उसके बेस पर आप टैक्स पे करिए सरकार को, सरकार की एक तरह की इनकम है, तो सरकार कभी मना नहीं करेगा। सरकार ये कंपलसरी है सब पर, और जो भी टैक्स नहीं पे करता है, जो भी अपने बिजनेस की डिटेल नहीं रखता है, चोरी छिपे काम करता है, अर्निंग करता है, तो ये इलीगल है। किसी न किसी दिन अगर आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी तो आपको अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ेगी, मे बी आपका बिजनेस सील हो जाए तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपको। तो प्लीज़ आप अपने बिजनेस की डिटेल रखिए, किसी भी सीए फर्म में जाइए, आप अपना हर एक चीज़ मेंटेन करिए, टैक्स पे करिए, क्योंकि ये हर एक पर कंपलसरी है। आई होप आपका दो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि बिजनेसमैन क्यों अपने बिजनेस की डिटेल रखते हैं एंड गवर्नमेंट जो सरकार होती है वो टैक्स क्यों लगाती है। दो चीज़ क्लियर होने के बाद हम बात करेंगे सीए फर्म में सीए एंड सीए के अंडर में काम करने वाले अकाउंटेंट, इनका क्या काम होता है एंड किस तरह से काम होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी कोई क्लाइंट आते हैं नए, वो सीए के पास आते हैं एंड अपने बिज़नेस की हर एक डिटेल देते हैं कि क्या बिज़नेस की वैल्यू है, बिज़नेस का क्या नाम है, बिज़नेस की क्या कैटेगरी है, क्या बेचते हैं, क्या ख़रीदते हैं, हर एक चीज़ वो डॉक्यूमेंट वो देते हैं सीए को, एंड सीए अपने अकाउंटेंट को देता है कि आप टैली में हर एक चीज़ फीड करिए, कंपनी को क्रिएट करिए, कंपनी की क्या वैल्यू है, क्या कैपिटल है, क्या क्लोजिंग स्टॉक है, क्या ओपनिंग स्टॉक है, क्या सेल परचेज बैंक कितना है, हर एक चीज़ वो फीड करते हैं टैली में। और इसी तरह हर महीने, मंथली, क्वार्टरली बिज़नेस की डिटेल, बिज़नेस का जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो क्लाइंट खुद ले आते हैं, उसके बेस पे एक साल का बैलेंस शीट हम लोग तैयार करते हैं जिसके बेस पे टैक्स पे किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट को। एंड हर एक चीज़ हम स्टार्टिंग में टैली पे करते हैं, हर एक चीज़ बिज़नेस की टैली में आपको रिकॉर्ड मिलेगा
क्या बेचा, क्या ख़रीदा, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, हर एक चीज़ आपको टैली के अंदर मिल जाएगी। सीए का काम होता है कि उसे ऑडिट करना, मॉनिटर करना कि किस क्लाइंट का कितना काम हुआ है, कितना पेंडिंग है, किसका करना है, किसका टैक्स पे करने का टाइम आ गया है, वो हर एक चीज़ मॉनिटर करता है। एंड अकाउंटेंट जो होते हैं वो हर एक चीज़ मेंटेन करते हैं, क्लाइंट की हर एक चीज़ वो अपने पास रखते हैं, हर डिटेल रहती है उनके पास कि बिज़नेस की कितनी वैल्यू है, क्या बैलेंस शीट है, कितना बिज़नेस प्रॉफिट में चल रहा है या बिज़नेस लॉस में चल रहा है, उसी की बेस पे वो टैक्स पे करते हैं। आपका बेसिक जो क्वेश्चन रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, बिकॉज आपकी लाइक का भी मोटिवेट करती है वीडियो बनाने के लिए। एंड कोई भी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, सीए फर्म से रिलेटेड, आप कमेंट करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम करिएगा, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। वीडियो ख़त्म करने से पहले छोटी सी बात, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वीडियो बनाना थोड़ा हेल्पफुल है कुछ लोगों के लिए। अगर मेरी वीडियो 100 लोग 200 लोग देख रहे हैं तो दो लोग को भी फ़ायदा हो रहा है, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा उन दो लोग के लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात अगर मेरी वजह से दो चार लोग को समझ में आ रहा है कुछ, उनकी कुछ हेल्प हो पा रही है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग मुझे मैसेज किए जब से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो काफ़ी लोगों ने जो भी उनकी डाउटफुल क्वेश्चन थे, जो भी उनकी क्वेरी थी, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और जो भी मुझसे हो सका मैंने उन्हें बताया। बट एक लोग का मैसेज आया वेस्ट बंगाल से, काफ़ी इमोशनल मैसेज था वो, मुझे लगा कि वो मैसेज इस वीडियो में डालना चाहिए और उनकी परमिशन से ही मैं उनका मैसेज जो भी वॉइस मैसेज था मैं इसमें डालूंगा। काफ़ी इमोशनल कर दिया, इसलिए मुझे लग रहा कि यह वीडियो बनाना सही है और कुछ लोग की अगर मेरी वजह से हेल्प हो पा रही है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मोटिवेशन थोड़ा मिलता है ऐसे लोगों का जो मुझ पर बिलीव करते हैं एंड ट्रस्ट करते हैं कि हाँ कुछ कुछ बता सकता हूँ मैं, तो मैं ज़रूर जो भी मुझसे हो सकेगा, जितने भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मैं चीज़ें सीखूँगा, मैं ज़रूर वीडियो बना के अपलोड करूँगा। आप लोग इसी तरह चैनल पर बने रहिए और इस मैसेज को सुनिए ज़रूर। भाई मेरा नाम सोहेल शेख है, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। भाई मैं बाहर कंट्री में जाना चाहता हूँ एज एन अकाउंटेंट। तो मैं अभी जो 11th 12th का जो अकाउंटिंग जो बुक है ना, वो बुक मैं पढ़ रहा हूँ, जर्नल एंट्री, व्हाट इज़ अ जर्नल एंट्री, हाउ मेनी टाइप्स जर्नल एंट्री, ओके ये सब मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने जाना चाहता हूँ। तो भाई कौन सा कंप्यूटर कोर्स मेरे लिए बेटर होगा अकाउंटेंट के लिए, प्लीज़ सजेस्ट मी भाई। और इफ़ यू डोंट माइंड मे आई कॉल यू, आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू यू भाई। मेरा फ्यूचर, मेरा करियर लिए मेरा बहुत ही टेंशन है भाई। मेरा घर का हालत अच्छी नहीं है, इसलिए मेरा कुछ एक्चुअली भाई मैं विलेज में रहता हूँ, तो विलेज में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है अकाउंटेंट के लिए और किसी हायर स्टडी के लिए। तो अकाउंटेंट का फील्ड में कोई नहीं है मेरा विलेज में। तो मुझको सजेस्ट देने के लिए, एडवाइस देने के लिए अकाउंटेंट के बारे में कोई नहीं है मेरे विलेज में। सो मैं आपको बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, मुझे प्लीज़ हेल्प।